नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधान। दोस्तों, आज हम जानेंगे सामान्य प्रबंधन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रबंध की मूल्यांकन में स्वॉट जो शब्द है, इसमें डब्ल्यू का क्या अर्थ है? SWOT, स्वॉट में डब्ल्यू का क्या अर्थ है? वीकनेस, वीकेंस, विनर, विंडो। दोस्तों, प्रबंधकीय मूल्यांकन स्वॉट में डब्ल्यू का अर्थ है WEAKNESS, वीकनेस अर्थात कमजोरी। यहाँ डब्ल्यू का अर्थ दो वीकनेस है, एक वीकनेस कमजोरी और एक वीक। तो हम WEAKNESS पहला हमारा आंसर होगा। स्वॉट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थिंग्स, स्टोर वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। दोस्तों, SWOT जो प्रबंधन में यूज किया जाता है, इसका अर्थ है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अर्थात हमारा पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधक का प्रतिपादक कौन है? मैरी पार्कर, हेनरी फ्योर, जॉर्ज टेरी या फिर एडरिक विंस्लो टेलर। तो दोस्तों, जो प्रबंधन का वैज्ञानिक प्रबंध है, इसका वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादक है हेड्रिक विंस्लो टेलर। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की अवधारणा में POCCC का फुल फॉर्म है। पहला है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग, फिर दूसरे में है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कंट्रीब्यूट कंट्रोलिंग, तीसरा में है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेशन कंप्लीट, चौथा है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कमांड कॉर्डलेस क्लोज। दोस्तों, प्रबंधन में POCCC का अर्थ है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग, अर्थात हमारा पहला आंसर सही है। POCCC का अर्थ है प्लानिंग, योजना बनाना, फिर ऑर्गेनाइजेशन संगठन का निर्माण, कमांडिंग आदेश देना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय बनाना और कंट्रोलिंग प्रबंधन में कंट्रोल करना। ये हमारा आंसर है पहला। अगला प्रश्न है, संगठन ही में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है को किसने स्पिरिट डी क्रॉप्स नाम दिया है? हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन। तो दोस्तों, संगठन ही में ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है, इसे स्पिरिट डी क्रॉप्स के नाम से हेनरी फ्योल ने नाम दिया है। अगला प्रश्न है, फ्योलिज्म के प्रमुख आलोचक हैं पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फ्योलिज्म अर्थात हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए जो 14 सिद्धांत हैं प्रबंधन के, उन्हें हम फ्योलिज्म के नाम से जानते हैं। तो फ्योलिज्म के प्रमुख आलोचक कौन से हैं पूछा गया है। तो दोस्तों, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड और पीटर ड्रकर फ्योलिज्म के आलोचक हैं, लेकिन प्रमुख आलोचक में पूछ लिया जा रहा है यहाँ कि प्रमुख आलोचक कौन है। तो प्रमुख आलोचक है पीटर ड्रकर, हमारा आंसर होगा पीटर ड्रकर फ्योलिज्म के प्रमुख आलोचक है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंध नाम किसने दिया? जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने प्रबंधन का सिद्धांत दिया, तो उस प्रबंधन के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंध किसने कहा? तो ऑप्शन है गेक्यूनास, मार्ज, गिलब्रेथ या लुइस डी ब्रेडीज। तो दोस्तों, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रबंध नाम
लुइस डी ब्रेंडीज ने दिया, अर्थात हमारा आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न, गद्य के अध्ययन का श्रेय गिलब्रेथ को जाता है। उन्होंने शारीरिक गतियों को 18 विभागों में बांटा, जिसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है गिलब्रेथ के शारीरिक गतियों को, विभिन्न विभागों को समूह को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पूछा गया है। तो गति अध्ययन के नाम से, कार्वेटेंशन के नाम से, फोरमैनशिप के नाम से, या थर्वलिंग के नाम से। दोस्तों गिलब्रेथ द्वारा दिया गया गति अध्ययन, जो कि शारीरिक गतियों के 18 विभागों को भी बांटा गया है, उन्हें हम थर्वलिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन चौथा सही है। अगला है, पद सोपान की संरचना कैसे होती है। त्रिभुजाकार, पिरामिडी, चैन वित्तीय। दोस्तों पद सोपान की श्रृंखला, पद सोपान की संरचना पिरामिडी पिरामिड के समान होती है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलती है, अर्थात सबसे शीर्ष में तो इसका प्रमुख बैठा होता है और नीचे से इसके प्रमुख अनुयायी होते हैं। तो पद सोपान की श्रृंखला पिरामिड के आकार की होती है। अगला प्रश्न है, पिपनर और सेरहुड ने पद सोपान के प्रकार नहीं बताए हैं। दोस्तों पिपनर और सेरहुड ने पद सोपान के चार प्रकार बताए हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रकार पिपनर और सेरहुड द्वारा नहीं बताया गया। कार्य आधारित पद सोपान, कौशल आधारित पद सोपान, रैंक आधारित पद सोपान, या वेतन आधारित पद सोपान, और चौथा है नेतागिरी आधारित पद सोपान। पद सोपान का मतलब है कि पद की उन्नति से हाथ लेट कर लिए। तो दोस्तों पिपनर और सेरहुड ने पद सोपान का कौन सा प्रकार नहीं बताया, तो है नेतागिरी आधारित, जबकि शेष चार कार्य आधारित, कौशल आधारित, रैंक आधारित और वेतन आधारित पद सोपान पिपनर और सेरहुड ने बताया है। तो हमारा आंसर होगा नेतागिरी आधारित पद सोपान फिफ्थ द्वारा नहीं बताया गया। दोस्तों हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।